बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि आप भाइयों के साथ आज मैं शेयर करूंगा आईफोन 11 प्रो मैक्स यूजेबल में है, यानी कि इस्तेमाल शुदा है। आप भाइयों के भाई इसके लेटेस्ट प्राइस इस कंडीशन के सऊदी अरबी में क्या चल रहे हैं उससे आपको अपडेट कर देता हूं। यहां पर आपको मैं न्यू के प्राइस बता रहा हूं, इसी यानी कि आईफोन 11 प्रो मैक्स के। आप देख रखे होंगे 5400 रियाल में, 5400 रियाल में लगा हुआ है। एक्स्ट्रा स्टोर में अवेलेबल है जी 512 GB स्टोरेज वाला। तो स्टोरेज वाइज प्राइस होते हैं इनके, लेकिन ये 512 GB स्टोरेज है इसलिए 5400 रियाल का है। बाकी आप 64 और 128 GB वाला खरीदते हैं तो वो आपको भाई 4400 या 500 के अराउंड में मिलेगा। तो शुरू करते हैं जी फिर आज की वीडियो आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ जो यूजेबल है, तो आपको दिखाता हूँ जी। ये रहा जी आपके सामने आईफोन 11 प्रो मैक्स जो कि यूजेबल है, इस्तेमाल शुदा है। आप भाइयों के साथ इस कंडीशन के सऊदी अरेबिया किसी भी सिटी वगैरह से अगर आप खरीदते हैं इस कंडीशन का, तो आपको भाई मेरे मुताबिक कितने का लेना चाहिए ये आप भाइयों के साथ कंफर्म कर दूंगा इसी वीडियो में। और इसकी बैटरी हेल्थ भी आप भाइयों के साथ चेक करवा दूंगा आपको, यानी कि सेटिंग में जाकर लाइव आपको इसकी बैटरी हेल्थ वगैरह भी दिखा दूंगा आज की वीडियो में। तो चलते हैं मोबाइल की कंडीशन की तरफ, फिर आप भाइयों के साथ इसके प्राइस भी शेयर कर दूंगा। बैक साइड से अगर बात करें तो भाई 3 कैमरों का सेटअप रखा गया, जिनमें 3 12-12 मेगापिक्सल का कैमरे रखे गए। कैमरों के मिरर वगैरह चेक करेंगे और इनके इर्द गिर्द जो कलर वगैरह है, यानी कि मिरर के ऊपर या कोई भाई साइड पर कहीं कोई चोट का निशान, दाग धब्बा या खराश का निशान तो नहीं है जी? बिल्कुल नहीं है, ओके है जी, कोई मसला नहीं है कैमरों में, ये क्लियर बात है जी। नीचे एप्पल वालों का लोगो है, इसको भी अच्छे से चेक कर लेंगे। एप्पल वालों का लोगो भी मैं साफ देख रहा हूँ। अच्छा, बैक साइड से मोबाइल को अच्छे से देखिए भाई, बैक साइड से, खासकर आईफोन में बैक साइड पर अगर खराशे वगैरह हो, खासकर एप्पल वालों के लोगो के ऊपर, तो समझ जाइए कि आपका मोबाइल काफी चला हुआ है। और अगर आप बैक साइड से मोबाइल को भाई अच्छे से देखेंगे तो आपको बैटरी अगर उसकी डैमेज होगी ना, तो वो भी आपको बैक साइड से ही कंफर्मली पता चल जाएगा। तो चलते हैं नीचे वाली साइड की तरफ, बैक साइड से ओके है, ये तो क्लियर हो गया है। नीचे वाली साइड स्पीकर ग्रिलिंग चार्जिंग की जगह, भाई गौर से देखिए, अगर रिप्लेसमेंट होना तो दो नट लगे होते हैं साइडों पर चार्जिंग वाली जगह के ऊपर, उससे आपको भाई डेफिनेटली पता चल जाता है चार्जिंग की जगह पर रिप्लेसमेंट है या नहीं है। तो साइडों से भी मोबाइल ओके है जी। अगर डिस्प्ले की बात करें इसके, तो 6.5 इंच का यानी 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले रखाएगा, लार्ज टाइप। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें और ऊपर वाली स्पीकर ग्रिलिंग की बात करें, स्पीकर ग्रिलिंग ऊपर वाली बिल्कुल ओके है जी, कोई मसला नहीं है। हल्की फुल्की दूर यूजेबल में होती है, कोई मसला नहीं है। सेल्फी कैमरे का मिरर वगैरह भी ओके है, इसमें भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अभी आपको मैं इसका कैमरे का रिजल्ट भी चेक करवा देता हूं। ओके करते हैं, देख लें जी आपके सामने कैमरे का रिजल्ट आ रहा है जी, बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। कैमरे के ऊपर भाई कोई खराश मत हो, कोई अंदर कोई धूल वगैरह ना हो, कैमरे का रिजल्ट बिल्कुल ओके होता है, ये कोई मसला नहीं है। अभी बैटरी हेल्थ आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, अक्सर भाई मुझे कमेंट करते हैं इसके मुतलक। तो देख लें यहाँ पर आपको मैं शायद जूम करके भी दिखा रहा हूँ, बैटरी हेल्थ 86 यानी कि 86% इसकी बैटरी हेल्थ भी इस मोबाइल की इस वक्त भी अवेलेबल है यूजेबल की। अगर स्टोरेज की बात करें, इसमें 64 256 512 GB 3 स्टोरेज अवेलेबल होती हैं। रैम की बात करें तो 4 GB यानी कि 4 GB रैम इनमें इस्तेमाल की जाती है। सेल्फी कैमरे की बात करें वो भी 12 MP का है। और अगर इसकी भाई ओरिजिनल बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की इसमें आपको मिलेगी, जो कि वन डे भाई ईजीली चलती है इस, यानी कि 86% इसकी बैटरी है, लेकिन फिर भी ये रात 8-9 बजे तक इजीली चलेगी। हाँ, अगर आप भाई 2-3 घंटे लगातार गेमिंग वगैरह खेल रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर बैटरी डाउन हो सकती है, वरना आपका नेट ऑन भी रहता है तो कोई मसला नहीं है बैटरी के मुतल्लक। मोबाइल बिल्कुल ओके है। अभी चलते हैं इसके प्राइस की तरफ। तो यूजेबल इस कंडीशन का मोबाइल जो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं 512 GB स्टोरेज वाला है, ये क्लियर कर दूं आपको मैं। हालांकि इसमें 64 256 GB 2 स्टोरेज और भी अवेलेबल है, लेकिन ये 512 GB स्टोरेज वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं यूजेबल, इसके भाई ये 100 वाला इस वक्त 4200 यानी कि 4200 रियाल मांग रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा है। आप भाई मुझे कमेंट भी बता भी सकते हैं ये कितने तक का होना चाहिए, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। तो इसके मुतालिक आप भाई खुद अपनी राय दीजिएगा ये कितने तक का होना चाहिए। मजीद किसी और मोबाइल के मुतालिक जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।